नमस्कार। जावा एप्लीकेशन पर एडिंग अ फाइल चूजर के ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे एप्लीकेशन बनाना, एप्लीकेशन फॉर्म बनाना, फाइल चूजर जोड़ना, फाइल चूजर कॉन्फ़िगर करना और एप्लीकेशन रन करना। इसके लिए मैं उपयोग कर रहा हूँ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम Ubuntu वर्जन 12.04 और नेटबीन्स आईडी वर्जन 7.1.1। इस ट्यूटोरियल में हम javax.swing.jfilechooser कंपोनेंट का उपयोग करके जावा एप्लीकेशन में फाइल चूजर जोड़ना सीखेंगे। इस अभ्यास के भाग के रूप में हम एक छोटा जावा एप्लीकेशन बनाना सीखेंगे जो टेक्स्ट एरिया .txt फाइल लोड करेगा। पहले जावा एप्लीकेशन को बनाते हैं। IDE लॉन्च करें। मेन मेन्यू से फाइल और न्यू प्रोजेक्ट चुनें। जावा कैटेगरी और द जावा एप्लीकेशन प्रोजेक्ट टाइप को चुनें और नेक्स्ट पर क्लिक करें। प्रोजेक्ट नेम फील्ड में टाइप करें जे फाइल चूजर डेमो। क्रिएट मेन क्लास चेकबॉक्स को मिटाएं। सुनिश्चित कर लें कि सेट एज मेन प्रोजेक्ट चेकबॉक्स चयनित है। फिनिश पर क्लिक करें। यहां हम JFrame कंटेनर बनाएंगे और इसमें कुछ कंपोनेंट्स को जोड़ेंगे। सोर्स पैकेजेस नोड पर राइट क्लिक करें। न्यू अदर चुनें। स्विंग GUI फॉर्म्स श्रेणी को चुनें और JFrame फॉर्म टाइप चुनें। नेक्स्ट पर क्लिक करें। क्लास नेम के लिए टाइप करें JFileChooserDemo। पैकेज फील्ड में टाइप करें jfilechooserdemo.resources। फिनिश पर क्लिक करें। प्रॉपर्टीज विंडो में टाइटल प्रॉपर्टी को चुनें और टाइप करें डेमो एप्लीकेशन। सुनिश्चित करने के लिए एंटर दबाएं। पैलेट में स्विंग मेन्यूज श्रेणी खोलें। मेन्यू बार कंपोनेंट को चुनें और JFrame के ऊपरी बाएं भाग पर खींचें। मेन्यू बार कंपोनेंट के एडिट आइटम पर राइट क्लिक करें। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में डिलीट चुनें। अब एक मेन्यू आइटम को जोड़ते हैं जो रनिंग एप्लीकेशन से फाइल चूजर को खोलने की अनुमति देता है। सुनिश्चित करें कि यहां आपके द्वारा अन्य मेन्यू आइटम खींचने से पहले मेन्यू बार का चयन किया गया है। पैलेट में स्विंग मेन्यू श्रेणी में नए मेन्यू आइटम को चुनें। इसे मेन्यू बार से खींचे और मेन्यू बार के फाइल आइटम पर रखें। डिजाइन व्यू में जे मेन्यू आइटम 1 पर राइट क्लिक करें और कॉन्टेक्स्ट मेन्यू से चेंज वेरिएबल नेम चुनें। आइटम को ओपन नाम दें और ओके पर क्लिक करें। सुनिश्चित करें कि जे मेन्यू आइटम 1 अभी भी डिजाइन व्यू में चयनित है। कंपोनेंट के टेक्स्ट को एडिट करने के लिए स्पेस बार दबाएं। ओपन से टेक्स्ट को बदलें और पुष्टि करने के लिए एंटर दबाएं। ओपन मेन्यू आइटम के लिए एक्शन हैंडलर निर्दिष्ट करें। मेन्यू आइटम ओपन पर राइट क्लिक करें और कॉन्टेक्स्ट मेन्यू से इवेंट्स एक्शन एक्शन परफॉर्म्ड चुनें। GUI बिल्डर स्वचालित रूप से सोर्स व्यू पर जाता है। एक नया महत्वपूर्ण लैंडलर मेथड ओपन एक्शन परफॉर्म्ड उत्पन्न होता है। डिजाइन व्यू पर वापस जाएं। फाइल चूजर से बाहर निकलने के लिए एक मेन्यू आइटम जोड़ते हैं। पैलेट में स्विंग मेन्यू श्रेणी को चुनें। मेन्यू आइटम चुनें। इसे फॉर्म पर ओपन मेन्यू आइटम के नीचे मेन्यू बार पर रखें। ऑरेंज हाईलाइट पर ध्यान दें जो कि इंगित करता है कि जे मेन्यू आइटम 1 कहां रखा जा रहा है।
डिजाइन व्यू में JMenu आइटम 1 पर राइट क्लिक करें। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू से चेंज वेरिएबल नेम चुनें। आइटम को एग्जिट नाम दें और ओके पर क्लिक करें। सुनिश्चित कर लें कि JMenu आइटम 1 अभी भी डिजाइन व्यू में चयनित है। कंपोनेंट के टेक्स्ट को एडिट करने के लिए स्पेस बार दबाएं। एग्जिट से टेक्स्ट को बदलें और पुष्टि करने के लिए एंटर दबाएं। एग्जिट मेन्यू आइटम के लिए एक्शन हैंडलर निर्दिष्ट करें। मेन्यू आइटम एग्जिट पर राइट क्लिक करें। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू से इवेंट्स एक्शन एक्शन परफॉर्म्ड चुनें। GUI बिल्डर स्वचालित रूप से सोर्स व्यू पर जाता है। एक एग्जिट एक्शन परफॉर्म्ड नामक नया महत्वपूर्ण मेथड तैयार होता है। एग्जिट एक्शन परफॉर्म नोड ओपन एक्शन परफॉर्म नोड के ऊपर नेविगेटर विंडो में प्रदर्शित होता है। यदि आप अपना नेविगेटर नहीं देख सकते हैं तो मेन्यू बार में विंडो मेन्यू पर जाएं, नेविगेटिंग चुनें और नेविगेटर पर क्लिक करें। यहां आप ओपन एक्शन परफॉर्म्ड नोड के ऊपर प्रदर्शित होने वाले एग्जिट एक्शन परफॉर्म नोड को देख सकते हैं। एग्जिट मेन्यू आइटम शुरू करने के लिए स्टेटमेंट system.exit of 0 को एग्जिट एक्शन परफॉर्म्ड मेथड बॉडी में सम्मिलित करें। डिजाइन मोड पर वापस जाएं। पैलेट की स्विंग कंट्रोल्स श्रेणी से फॉर्म पर एक टेक्स्ट एरिया खींचें। बाद में फाइल चूजर द्वारा प्रदर्शित टेक्स्ट के लिए जगह बनाने के लिए जोड़े गए कंपोनेंट का आकार बदलें। टेक्स्ट एरिया के रूप में वेरिएबल का नाम बदलें। फिर वास्तविक फाइल चूजर को जोड़ें। यदि आपका नेविगेटर विंडो खुला नहीं है तो इसे खोलने के लिए विंडो नेविगेटिंग अ नेविगेटर चुनें और नेविगेटर में जेफ्रेम नोड पर राइट क्लिक करें। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू से ऐड फ्रॉम पैलेट स्विंग विंडोज और फाइल चूजर चुनें। आप नेविगेटर में देख सकते हैं कि जे फाइल चूजर फॉर्म में जोड़ा गया था। जे फाइल चूजर नोड पर राइट क्लिक करें और वेरिएबल को फाइल चूजर नाम दें। ओके पर क्लिक करें। हमने अब फाइल चूजर को जोड़ा है। अगला चरण अपनी पसंद का टाइटल प्रदर्शित करने के लिए फाइल चूजर को कॉन्फ़िगर करना है। हम कस्टम फाइल फिल्टर को भी जोड़ेंगे और आपके एप्लीकेशन में फाइल चूजर एकीकृत करेंगे। नेविगेटर विंडो में जे फाइल चूजर को चुनने के लिए क्लिक करें। अब प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स में इसकी प्रॉपर्टी को एडिट करें। पैलेट के नीचे प्रॉपर्टीज विंडो में डायलॉग टाइटल को दिस इज माय ओपन डायलॉग में बदलें। पुष्टि करने के लिए एंटर दबाएं। अब सोर्स मोड पर जाएं। अब अपने एप्लीकेशन में फाइल चूजर एकीकृत करने के लिए मेरे पास कोड का भाग मौजूद है जिसे मैं मौजूदा ओपन एक्शन परफॉर्म्ड मेथड में कॉपी और पेस्ट करूंगा। यह उदाहरण फाइल कंटेंट्स को पढ़ता है और टेक्स्ट एरिया में उन्हें प्रदर्शित करता है। अब हम यूजर द्वारा क्लिक की गई फाइल को निर्धारित करने के लिए फाइल चूजर गेट सिलेक्टेड फाइल मेथड को कॉल करेंगे। मैं इस कोड को अपने क्लिपबोर्ड पर और आईडीई के सोर्स व्यू में कॉपी करूंगा, ओपन एक्शन परफॉर्म्ड मेथड के अंदर पेस्ट करूंगा। यदि आपके कोड में एडिटर एरर्स रिपोर्ट करता है, कोड में कहीं भी राइट क्लिक करें और फिक्स इंपोर्ट्स चुनें। अब एक कस्टम फाइल फिल्टर जोड़ दें
जो कि केवल .txt फाइल्स प्रदर्शन के लिए फाइल चूजर को बनाता है। डिजाइन मोड पर जाएं और नेविगेटर विंडो में फाइल चूजर चुनें। प्रॉपर्टीज विंडो में फाइल फिल्टर प्रॉपर्टी के आगे एलिप्सिस बटन पर क्लिक करें। फाइल फिल्टर डायलॉग बॉक्स में कॉम्बो बॉक्स से कस्टम कोड चुनें। टेक्स्ट फील्ड में न्यू माय कस्टम फिल्टर टाइप करें। और ओके पर क्लिक करें। कस्टम कोड शुरू करने के लिए हम माय कस्टम फिल्टर क्लास लिखेंगे। यह भीतरी या बाहरी क्लास फाइल फिल्टर क्लास का विस्तार करेगा। मैं इस कोड के भाग को इंपोर्ट स्टेटमेंट्स के नीचे अपने क्लास के सोर्स कोड में कॉपी और पेस्ट करूंगा। यह भीतरी या बाहरी क्लास फाइल फिल्टर क्लास का विस्तार करेगा। प्रोजेक्ट विंडो में JFileChooserDemo प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करें। सैंपल प्रोजेक्ट को रन करने के लिए रन चुनें। रन प्रोजेक्ट डायलॉग बॉक्स में JFileChooserDemo.resources.JFileChooserDemo मेन क्लास को चुनें। ओके पर क्लिक करें। रनिंग डेमो एप्लीकेशन में कार्य को गति प्रदान करने के लिए फाइल मेन्यू से ओपन चुनें। टेक्स्ट एरिया में इसके कंटेंट को प्रदर्शित करने के लिए किसी भी टेक्स्ट फाइल को खोलें। मैं sample.txt फाइल चुनता हूं और ओपन चुनता हूं। फाइल चूजर टेक्स्ट फाइल का कंटेंट्स प्रदर्शित करता है। एप्लीकेशन को बंद करने के लिए फाइल मेन्यू में एग्जिट चुनें। इस ट्यूटोरियल में आपने सीखा जावा एप्लीकेशन में फाइल चूजर को जोड़ना और फाइल चूजर कॉन्फ़िगर करना। नियत कार्य के रूप में समान डेमो प्रोजेक्ट का उपयोग करें जिसे हमने बनाया है और निम्नलिखित फीचर्स को जोड़ें। मेन्यू बार के नीचे सेव मेन्यू आइटम जोड़ें। सभी मेन्यू आइटम्स के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट्स जोड़ें। कार्य सेव करने के लिए फाइल को सेव करने के लिए कोड के भाग को जोड़ें। मैंने पहले ही इसी तरह का एक नियत कार्य बनाया है जहां फाइल चूजर फाइल मेन्यू के नीचे सेव विकल्प को प्रदर्शित करता है और आपको टेक्स्ट फाइल को सेव करने के लिए विकल्प देता है जिसे आपने खोला है। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट के बारे में स्क्रीन पर दिखाए गए लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें। यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। यदि आपके पास अच्छा बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसको डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएं भी चलाती है। ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाण पत्र भी देते हैं। अधिक जानकारी के लिए contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी निम्न लिंक पर उपलब्ध है। यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है। मैं यशोरा आपसे विदा लेता हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।